आज हम है जी जलंधर में फ्रेश बाइट्स पे और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कपल है मिस्टर एंड मिसेस सिंह जो बनाते हैं बहुत ही बढ़िया खाना और यहाँ पे बन रहा है जी पिज्जा। भाभी कौन सा पिज्जा बन रहा है जी? कॉर्न चीज पिज्जा। ये बन रहा है जी चीज एंड कॉर्न पिज्जा। और सबसे पहले तो पिज्जा बेस के ऊपर आ गई जी एक सॉस एंड उधर पाजी जो है, पाजी आप क्या बना रहे हो? मैं पास्ता बना रहा हूं। आप पास्ता बना रहे हो तो इधर बन रहा है जी पिज्जा और उधर बन रहा है जी पास्ता और उधर तवे के ऊपर आप देखो प्याज शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न आ गए हैं जी और ये एक पास्ता का पोर्शन आ गया जी कंटेनर के अंदर। इधर पिज्जा सॉस जो है वो पिज्जा के ऊपर लग चुकी है एंड अब इसके ऊपर आएंगे जी टॉपिंग्स। सबसे पहले तो आ गए जी कॉर्न। अभी कॉर्न आ गए, स्वीट कॉर्न आ गए, स्वीट कॉर्न आ गए, ठीक है जी। तो ये आ गए जी कॉर्न पिज्जा के ऊपर। हाँ जी, स्वीट बट कॉर्न आ रहे, क्या बात है, क्या बात है। तो ये काफ़ी सारे कॉर्न आ गए जी, एकदम लोडेड पिज्जा लग रहा है। पीछे पाजी देखो पास्ता को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये आ गया जी नमक पास्ता के ऊपर। इधर पिज्जा के ऊपर आ गए जी कॉर्न और अभी देखते हैं टॉपिंग्स में क्या क्या आता है। उधर तो आ गए जी चिली फ्लेक्स और ये ऊपर से आ गया जी लिक्विड चीज़ पिज्जा के ऊपर और उधर आ गया जी ऑरेगनो और पिज्जा के ऊपर भाई साहब लोडेड हो गया जी एकदम चीज़ के साथ। और उधर देखो पास्ता भी जो है वो रेडी है जी ऑलमोस्ट। वाह वाह वाह, ये एक मखनी सॉस आ गई है जी। पाजी कब से लगा रहे हो ये? 7 साल। 7 साल से पाजी लगा रहे हैं और एकदम एकदम अभी अभी शादी हुई है मुझे लग रहा है। चूड़ा पहना हुआ भाभी जी ने। तो शादी कब हुई है सर? 1 साल पहले। क्या बात है जी, तो शादी अभी नई नई हुई है और हमारे पाजी और भाभी जी जो हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा टाइमिंग्स क्या है अपनी? रात को दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक। भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हो। घर पहुंचते पहुंचते 2:30 बज जाते हैं पाजी, क्या बात है यार। जो स्ट्रीट फूड लगाना होता है ना इसमें सबसे ज़्यादा हार्डवर्क होता है क्योंकि आपको बैठने को चांस नहीं मिलता। और इधर देखो पिज्ज़ा पास्ता दोनों जो हैं वो बन के ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं जी। पाजी इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो, ऐसा क्या अचीव करना चाहते हो पाजी? ऐसा क्या अचीव करना चाहते हो कि इतनी मेहनत कर रहे हो आप, ऑलमोस्ट 12 घंटे काम कर रहे हो आप? पूरी दुनिया का प्यार। क्या बात है, क्या बात है। सो खाना खिला के पाजी जो है वो पूरी दुनिया का प्यार हासिल करना चाहते हैं। पास्ता तो पाजी रेडी हो गया है, इसको तो प्यार मिल जाएगा अभी बहुत सारा। ये सर्विंग के लिए तैयार है। कितने का पास्ता है जी? ये 80 रुपीज़ का पास्ता है जी ये वाला। एंड ये मुझे लग रहा है मिक्स सॉस पास्ता है शायद, है ना? वाइट सॉस तो नहीं है, अच्छा रेड सॉस पास्ता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और एक बार लोकेशन प्लीज बता दो आप। लोकेशन है हमारी नियर हमारे ज्योति चौक है जी, साथ में हमारे लवली स्वीट्स है, बिल्कुल आप देख सकते हो पीछे बैक साइड जी जी जी, एंड साथ में फ्रेश बाइट्स हैं लवली स्वीट्स। बहुत बढ़िया। तो ये देखो जी इधर लवली स्वीट्स है जी, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है और एकदम ये सामने ये है जी फ्रेश बाइट्स। एंड पाजी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, पाजी और पाजी जी दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। पाजी मुझे एक चीज़ बताओ। हाँ जी। आपकी टर्बन का स्टाइल बहुत यूनिक है यार जी। ये कैसे, मतलब आप कैसे बांधते हो, कहाँ से सीखा आपने? एक्चुअली जब मैंने ना टर्बन टाई करनी शुरू की थी जी, तो ऑलमोस्ट जैसे परना नहीं बांधते जी, लोग मजाक उड़ाते थे क्या यार बांधता है ऐसे वगैरह वगैरह जी। तो किसी ने मुझे, मतलब एक दिन ना मैं वैसे ही बहुत मूड अपसेट था जी, एक अंकल थे उनके पास बैठा था जी, उन्होंने मेरे को बोला तू देखता जा एक दिन ऐसी टर्बन बांधेगा सब लोग तुझसे बनवाने या तुझे बोलेंगे बांधता कैसे। वाह। एंड एक्चुअली उनके वो बोल पूरे हो गए। क्या बात। एंड ये स्टाइल भी मैंने घर पे, मतलब नॉर्मली वही परने को बांधते 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 ये स्टाइल यहाँ तक बन गया। बहुत बढ़िया भाजी, बहुत सुंदर टर्बन है और दशम पिता की निशानी है तो इसको तो पूरा अच्छे से हमने बांधना है तरीके से एकदम। तो जैसे आप बांधते हैं बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज है। क्या बात है, कैसे मिले थे आप लोग? इंस्टाग्राम पे मिले थे। क्या बात है जी, इंस्टाग्राम पे मिले और फेसबुक पे इनकी वीडियोस के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं जी, फॉलोज आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं। अच्छा पाजी क्या क्या बनाते हो यहाँ पे आप? यहाँ पे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, सैलेड्स, पास्ता, रैप एंड डाइट्स में काफी आइटम्स है। जैसे अभी हमने रेनबो रैप बनाया एंड एक दो चीजें ऐसी कुछ हो रहे हैं जैसे सैलेड्स हो गया और कुल्लड़ पिज्जा एंड कुल्लड़ पास्ता हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर है। क्या बात। और घर पे खाना कौन अच्छा बनाता है? घर पे खाना भाभी जी नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन, कौन अच्छा बनाता है, कौन बनाता है? सिर्फ मैं ही बनाती हूं। अच्छा घर पे खाना आप ही बनाते हैं? हाँ। वाह,
और यहाँ पे दोनों बनाते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो आपकी जोड़ी सलामत रहे, ऐसी बहुत तरक्की करते रहो, ऑल द बेस्ट आप दोनों को। और क्या कहते हैं, और मेरे लायक कोई सेवा? टेस्ट थोड़ी दस दी, पिज्जा बन गया? हाँ जी, दिखाओ जी पिज्जा बनाओ। और ये हमारा जो पिज्जा है जी, वो बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, चीज एंड कॉर्न पिज्जा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाभी जी, आप शादी के पहले भी ऐसा पिज्जा बना लेते थे? नहीं नहीं, क्या बात है, तो ये अभी सीखा है? हाँ जी। पाजी ने सिखाया? हाँ जी। क्या बात है पाजी, बल्ले बल्ले कराती पाजी ने सीधा। कितना बढ़िया पिज्जा लग रहा है यार, एकदम प्रोफेशनल पिज्जा, मेड बाय समवन हु नेवर मेड पिज्जा। और ये हो गया जी पिज्जा इनका कट। कितने का है सर ये? 150। तो ये है जी 150 रुपीज का पिज्जा, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे आना हो तो टाइमिंग्स है जी दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 1 बजे तक, आप कभी भी आ जाओ जलंधर में ज्योति चौक लवली स्वीट्स के पास, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।